दोस्तों, ओप्पो का नया मॉडल F25 Pro जिसका कि आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं और बताएंगे कि इस फ़ोन में क्या नया आने वाला है और इस फ़ोन के आने से पहले ही इस फ़ोन का पूरा डिटेल बाहर निकल कर आ गया है। इस फ़ोन में कैसा वीडियो क्लियरिटी रहने वाला है, कैसा कैमरा रहने वाला है, तो आज हम पूरा जानकारी जानेंगे कि इस फ़ोन में पिक्चर क्लियरिटी कैसा रहेगा और इस फ़ोन के बारे में पूरी जानकारी देंगे किस रेट में आने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम इस फ़ोन के ओप्पो F25 Pro 5G। आज हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं और दिखाएंगे इस फ़ोन में क्या आएगा नया और क्या वेरिएंट आएगा, सारी चीज़ के बारे में जानकारी देंगे। इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा और बैक कवर आपको इसके साथ में ही मिलेगा और इस फ़ोन का एक सेटअप रहने वाला है और इसमें आपको फ़ोन F25 Pro मिलने वाला है और इसमें आपको 67 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिलने वाला है और साथ में ही इसके एक सी टाइप USB 2C डाटा केबल मिलने वाली है। और साथ ही हम इस फ़ोन की अगर बैक डिज़ाइन का बात करें तो इसको एक प्रीमियम लुक के साथ बनाया गया है और बैक साइड से ये प्लास्टिक में रहने वाला है और इसमें दो कैमरा का सेटअप रहने वाला है और प्लस में एक LED लाइट रहने वाली है। फर्स्ट कैमरा सर्कआउट में सिंगल कैमरा रहेगा, सेकंड सर्कआउट में दूसरा सेकंड दो कैमरा रहेगा। और इस फ़ोन का लुकिंग का बात करें तो बहुत ही शानदार लुक डिज़ाइन के साथ इस फ़ोन को बनाया गया है और इस फ़ोन का बैक डिज़ाइन से लेकर फ्रंट डिज़ाइन तक बहुत ही ज़बरदस्त बनाया गया है। फ्रंट में यह फ्लैट डिस्प्ले रहने वाला है और डिस्प्ले क्वालिटी इसका बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। रिफ्रेश रेट 120 रहने वाला है और यह फ़ोन लुक से लेकर फ्लैट डिस्प्ले में रहेगा और यह बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। यह फ़ोन वाटर रेजिडेंट के साथ डस्ट प्रूफ भी रहने वाला है, IP65 पे यह वर्किंग करेगा, वाटर रेजिडेंट भी है और इन हैंड यह फ़ोन बहुत ही फीलिंग में बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। थिकनेस इस फ़ोन का जो है 7.5 ग्राम रहेगा और साथ में इसका डिस्प्ले क्वालिटी जो है वो 6.7 इंच का FHD OLED डिस्प्ले रहेगा और इसका पिक्चर क्लियरिटी जो है वो बहुत ही शानदार रहने वाला है और मूवी रेगुलेशन में तो यह फ़ोन बहुत ज़बरदस्त रहेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रहने वाला है, स्क्रॉलिंग करते टाइम 120Hz का डिस्प्ले रेट है जिससे कि आप किसी भी एप्लीकेशन को खोलते हैं चाहे बंद करते हैं तो आपको इन हैंड अच्छा रहता है। और इस फ़ोन में पिक्चर क्वालिटी का बात करें तो आपको 4K वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें कि आपको पिक्चर क्वालिटी दिखाई देगी। पिक्चर क्वालिटी देख सकते हैं कितना बढ़िया रहने वाला है, कंट्रास्ट के साथ मूवी रिवोल्यूशन में भी बहुत अच्छा रहने वाला है। इस फ़ोन में पांडा ग्लास यूज़ किया गया है जो कि प्रोटेक्शन में बहुत ही बेहतरीन रहा जाता है। और इस फ़ोन का अगर प्रोसेसर का बात करें तो MediaTek का Dimensity 7050 का प्रोसेसर दिया गया है और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर 6 नैनोमीटर पर यह काम करता है। गेमिंग के मामले में भी यह फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है और इस फ़ोन में बहुत ही ज़बरदस्त गेम कर सकते हैं। अगर आप गेमिंग नहीं करते, नॉर्मल लोगों के लिए बहुत अच्छा फ़ोन है, अगर गेमिंग करते हैं तो बहुत अच्छा फ़ोन रहता है ये भी। अगर इस फ़ोन में MediaTek का Dimensity 7200 प्रोसेसर रहता तो यह फ़ोन और भी ज़बरदस्त रहने वाला था। अगर जो लोग गेमिंग करते हैं उनके लिए मोर देन बेटर फ़ोन है, जो लोग नहीं गेमिंग करते हैं उनके लिए और भी ज़्यादा बढ़िया फ़ोन है। इस फ़ोन में LPDDR4X RAM मिलेगा और USB 3.1 स्टोरेज टाइप मिलेगा जिससे कि आप एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे जाते हैं तो आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और इस फ़ोन में आपको स्क्रॉलिंग रेट भी अच्छा मिलेगा, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा और 5000mAh की बैटरी मिलेगी जो कि 67W के चार्जिंग के साथ रहेगी। और यह फ़ोन वाटर रेजिडेंट रहने वाला है IP65 और चार्जिंग भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली 67W के साथ। और इस फ़ोन में आपका सिंगल स्पीकर रहने वाला है और इस फ़ोन में सिंगल स्ट्रीट स्पीकर रहेगा, इसमें डुअल स्पीकर नहीं रहेगा। आप कोई भी मूवी या सॉन्ग सुनते हैं तो सिंगल स्ट्रीट स्पीकर ही रहने वाला है और आप कोई भी म्यूज़िक वगैरह चलाते हैं तो उसका भी क्वालिटी बहुत शानदार रहने वाला है। और इस फ़ोन को इंडिया मार्केट में 29 मार्च को लॉन्च कर दिया जाएगा। बैक कैमरा इसका जो है 64 मेगापिक्सल का रहेगा और बैक कैमरा जो सेकंड कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड पे रहेगा। थर्ड कैमरा इसका 2 मेगापिक्सल करेगा जो कि माइक्रो लेंस पे काम करेगा। सेल्फी कैमरा इसका 32 मेगापिक्सल का रहेगा। यह फ़ोन कैमरे के मामले में सेटिस्फाई करने वाला है और इसमें आपका 4K वीडियो फ्रंट और बैक दोनों में ही रहेगा जो कि आप वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से खींच सकते हैं। बैक कैमरा देख सकते हैं आप, बैक कैमरे में आपको एक पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो खींच के दिखाएंगे, एक नॉर्मल मोड में, दोनों ही फ़ोटो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। कैमरा क्लियरिटी में तो ये फ़ोन आपको सेटिस्फिकेशन करने वाला है और इस फ़ोन का कैमरा क्लियरिटी देख सकते हैं, इसमें OIS नहीं मिलेगा जिससे कि स्टेबिलिटी फ़ोन में नहीं रहेगा और बाकी बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है कैमरा क्लियरिटी में भी। और इस फ़ोन में लुक से लेकर इस फ़ोन का वेट भी बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है, 177 ग्राम इसका वेट रहेगा और यह फ़ोन
बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। और इस फ़ोन में डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छा है और इसमें चिन भी बहुत कम दिया गया है। इस फ़ोन में चिन नामात्र के बराबर है और यह फ़ोन फुल व्यू डिस्प्ले में आएगा। अगर आप चाहते हैं इस फ़ोन को लेने के लिए तो एस्टीमेट 20 से 21,000 का एस्टीमेट बना के रखें और 20 से 21,000 के रेंज में यह फ़ोन आने वाला है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो रेडी फॉर